दोस्तों, साधना का इच्छुक तो हर व्यक्ति होता है, पर यदि उसे सही गाइडेंस ना मिले या वह सही मार्ग पर ना चले तो वह भटक जाता है। और जहां पर संदेहास्पद स्थिति पैदा हो वहां पर तो बिल्कुल ही वह ना तो साधना को पूरी कर पाएगा और ना साधना पूरी होगी। अब मैं किस विषय में बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक मंत्र है मां दुर्गे का, जिसमें ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। अब इसमें माँ सरस्वती भी हैं, माँ काली भी हैं और माँ लक्ष्मी जी भी हैं। अब इन सभी का रूप में हम माँ दुर्गे के सामने जब ये मंत्र करते हैं तब हम दुविधा में आ जाते हैं। और दोस्तों, दुविधा भी कैसी है? दुविधा है कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम समझ ही नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब मैं इसकी आपको जानकारी दूं, इससे पहले अपने अल्टीमेट ज्ञान से जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले सभी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। अपना विषय है दोस्तों कि यदि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वह दुविधा में है, तो दुविधा में है तो ना तो उसका मन लगेगा और वह जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही लौटकर पीछे आ जाएगा, क्योंकि ध्यान उसका वहीं रहेगा कि मैं मंत्र सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। दोस्तों, आ रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जो कि 30 जून 2022 गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 8 जुलाई शुक्रवार को यह संपूर्ण हो रहे हैं। अब दोस्तों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि इसमें विशेष रूप से यूं तो तरह तरह के मंत्र किए जाते हैं, अपनी साधनाएं होती हैं, अब कोई किसी भी प्रकार से भी कर, लेकिन अधिकांश व्यक्ति ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ही करते हैं, लेकिन इसमें उनकी दुविधा बनी रहती है। दोस्तों, आज हम आपकी दुविधा को पूरा कर दें कि किसी भी प्रकार से आपको शंका ना रहे। और यहां दुविधा यह रहती है कि हम एम ह्रीम क्लीम बोले या एंग ह्रींग क्लींग बोले, यानी एक में एम फॉर मैन, एम की आवाज आती है, और दूसरे में जी फॉर गर्ल, यानी जी की आवाज आती है, एंग एंग में ची की आवाज आती है। अब बस यही जो आपका संदेह है यह आपका निरंतर बना रहेगा और आपका ध्यान नहीं लगेगा मंत्रों में। अब मैं दोस्तों आपको स्पष्ट कर दूं, यह दोनों ही मंत्र बिल्कुल सही हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे और ओम एंग ह्रींग क्लीम चामुंडाई विच्चे, यह दोनों ही मंत्र बिल्कुल सही हैं। अब आप कहेंगे सही हैं तो फिर ये अलग अलग क्यों बना दिए गए? दोस्तों, एक मंत्र सात्विक है जिसमें एम का प्रयोग होता है और दूसरा मंत्र तांत्रिक है। कर तो आप दोनों सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्रों के लिए बताया जाता है कि बिना गुरु
की इजाजत के, गुरु के आदेश के, उस मंत्र को नहीं किया जाता, यानी उसमें कोई भी बाधा आ सकती है। आ भी जाए ना आए ये पूरा नहीं है, लेकिन यह गुरु के आदेश से करें, किसी के भी संपर्क में रहकर के करेंगे, जो भी आपको आदेश देगा वह उस समय आपका गुरु ही कहलाएगा। मार्गदर्शन किसी से भी ले सकते हैं आप। तो जो एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे है, वह आप तांत्रिक मंत्र करेंगे तो किसी का भी आदेश ले लें, गुरु का आदेश ले लें, सबसे अच्छा। आप आदेश ना लेते हैं तो आप ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे यह मंत्र कर लें दोस्तों, और सबसे उत्तम मंत्र यही रहेगा आपके लिए। वैसे आप दोनों कर सकते हैं, किसी प्रकार की आप अपने मन में शंका ही पैदा मत करना। इसी प्रकार से यह जो सिद्ध कुंजिका का मंत्र है, जिसमें ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सह, ज्वाले ज्वाले जले जले प्रजले प्रजले, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, जल हम सम लम सम फट स्वाहा। अब ये जो मंत्र है, इसमें भी एक जगह पर जब एम का प्रयोग करेंगे तो वही दोस्तों सात्विक मंत्र रहेगा, और जहां गे का प्रयोग करेंगे, जी का प्रयोग करेंगे, जी से गे बनता है, एंग रिंग लगाएंगे तो वह तांत्रिक मंत्र बन जाएगा। पर हाँ, आप दोनों ही कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझ लें कि बिंदी तो हरे के ऊपर लगी हुई है। अब ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सह, तो दोस्तों ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सह ये दोनों में एक ही रहेगा, इसमें गै की आवाज नहीं आएगी, बाकी जो जहां बिंदी लग रही है सब पे गै की आवाज आएगी। इतना आप समझ लेंगे, आप कभी दुविधा में नहीं रहेंगे, आप अपने मंत्रों को अच्छी प्रकार से करेंगे, आपका मन भी लगेगा। कोई सा भी मंत्र करें दोस्तों, वैसे तो इस मंत्र को आप कभी भी करें, ये पूर्ण फल देता है, लेकिन अब आ रहे हैं विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि, और आप गुप्त नवरात्रि में इन मंत्रों को करते हैं, ज्यादा नहीं तो आप एक माला तो रोज कर ही लें, ये तो कम से कम कर लें, ज्यादा करें तो ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है दोस्तों। जो आपके मन में होगी, जो आप अर्जी लगाकर, जो आप सोचकर और माँ के चरणों में इन मंत्रों को करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा, करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो, तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। शीघ्र ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता।